हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर हिंदी। हमने हिंदी में 7 चैप्टर तक कंप्लीट किया, राइट? हमने अभी तक हिंदी की कई सारी स्टोरी देखी है, राइट? तो अभी भी हमारी हिंदी की चैप्टर नंबर 8 में एक अच्छी सी स्टोरी हुई, वो नील परी। आप छोटे हो तो आप कार्टून्स देखते हो, राइट? तो आपने कई परियों की कहानी सुनी होगी, राइट? तो ये भी एक परी कैसी होती है कि परी के पीछे पंख होते हैं, उसके हाथ में एक जो स्टार होता है, राइट? तो ऐसी परी आकाश में है, वो उड़ सकती है, राइट? फिर परी है, वो कई सारे चमत्कार कर सकती है, आपने अगर कार्टून में देखा हो तो, राइट? तो ये परियों की कहानी, परियों के देश, परियों का देश होता है, आपको पता होगा, मतलब वो कार्टून्स में अच्छे लगते, राइट? तो परियों की कैसी कहानी है, वो परी कैसा जादूगर करती है, कैसे सबकी हेल्प करती है, वो यहाँ पे हमें स्टोरी में बताया गया है, राइट? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी डायरेक्टली स्टोरी से। सोनू मेहनती और आज्ञाकारी बालक था। ये जो लड़का है उसका नाम क्या है? सोनू। वो बहुत ही आज्ञाकारी यानी दूसरों की मानने वाला वो लड़का है। वह रोज अपना गृह कार्य करके बगीचे में खेलने जाता था। बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं? अपना गृह कार्य यानी अपना होमवर्क करके कहाँ पे जाते हैं? वो खेलने जाते हैं। एक दिन वह बगीचे में खेल रहा था। एक दिन ये सोनू है वो क्या कर रहा था? बगीचे में खेल रहा था। तभी वहाँ नील परी आई और उसने सोनू को देखा। तभी वहाँ को क्या आया? वहाँ एक नील परी आई और उसने, ये नील परी है, उसने किसको देखा? सोनू को देखा। वह दूसरे बच्चों को झूला झूला रहा था। सोनू क्या कर रहा था? दूसरे बच्चों को झूला झूला रहा था। नील परी उसके पास गई तो सोनू ने हैरानी से पूछा, क्या तुम परी रानी हो? क्या हुआ? झूला झूल रही थी नील, ये जो सोनू लड़का है वो दूसरे लड़के को झूला झूला रहे थे। फिर नील परी है वो किसके पास गई? सोनू के पास गई और सोनू हैरान हो गया यानी वो डर गया और पूछा कि क्या तुम परी रानी हो? सोनू ने परी को पूछा कि क्या तुम परी रानी हो? तो परी रानी ने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ, क्यों, यकीन नहीं आता है? हाँ, मैं परी रानी हूँ, क्या आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, यकीन नहीं आ रहा है? कहकर नील परी मुस्कुराने लगी। नील परी बोल रही कि क्या आपको यकीन नहीं आ रहा है कि मैं नील परी हूँ? ऐसा कह के वो हंसने लगी। फिर नील परी ने खुश होकर उसे एक फूल दिया। नील परी खुश हो गई और उसने सोनू को एक फूल दिया। फूल से लाल पीला प्रकाश निकल रहा था, उसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक थी। वह फूल को सूंघने लगा। जो नील परी थे, नील परी ने सोनू को फूल दिया तो वो फूल कैसा था? खुशबू भी बहुत आ रही थी, वो लाल पीला प्रकाश निकल रहा था। फूल में से लाल और पीला है वो प्रकाश निकल रहा था, उसमें जो खुशबू है वो मनमोहक थी, मतलब उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही थी। वह फूल को सूंघने लगा। वो फूल को क्या करने लगा? अगर आपके पास अच्छे अच्छे फ्लावर आ जाए और उसके उसमें से अच्छी स्मेल रही थी, आप भी उसको स्मेल करने लगते हो ना, तो इसलिए सोनू ने भी उसको सूंघा। यह देखकर परी ने कहा कि सोनू, उसे कान से लगाओ तो तुम कहानी भी सुन पाओगे। ऑफकोर्स ये जो नील परी है वो मैजिक करती है, राइट? आपको पता होता है। तो नील परी ने जो फ्लावर दिया था वो अगर सोनू कान पे रखे ना तो उसमें से क्या सुनाई देता था? कहानी सुनाई देती थी। सोनू ने उसे कान से लगाया। सचमुच कान से लगाते ही कहानी शुरू हो गई। फिर एक था राजा शांतनु, उसके तीन बेटे थे। तीनों बेटों में सबसे छोटा राजकुमार विक्रम, वह बहुत दयालु और तलवार चलाने में तेज था। सोनू को गुलाब देकर नील परी है वो उड़ गई और नील परी दूसरे के पास आई। किसके पास आई? एक शांतनु नाम का राजा था और उसके तीन बेटे थे और तीन बेटों में से सबसे छोटा था राजकुमार विक्रम। वो विक्रम कैसा था? सब पर दया करता रहता था और तलवार चलाने में सबसे तेज था। एक दिन विक्रम जंगल में अकेला घूम रहा था। विक्रम था वो एक दिन क्या कर रहा था? जंगल में घूम रहा था। उसने बहुत सुंदर सुंदर फूल चुन लिए थे।
विक्रम जंगल में गया था तो जंगल में कई सारे फूल होते, तो उन्होंने सुंदर सुंदर फूल है वो तोड़ लिए थे। तभी उसने देखा कि एक घने पेड़ के नीचे चबूतरा है। पेड़ के नीचे क्या था? चबूतरा था और उस पर एक पत्थर की मूर्ति थी। वो पेड़ था और चबूतरे के नीचे, चबूतरे के ऊपर क्या था? एक पत्थर की मूर्ति थी। फिर क्या कहा नेक्स्ट पेज पे? विक्रम ने वहां जाकर उस मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए। विक्रम जब शांतनु राजा है उसका तीसरा लड़का विक्रम था, और विक्रम एक पेड़ के नीचे चबूतरे के पास आया और इस चबूतरे के नीचे एक मूर्ति थी और वो जो उन्होंने फूल तोड़े थे वो सारे फूल उन्होंने उस मूर्ति पे चढ़ा दिए और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं ना, तो विक्रम ने भी आंखें बंद कर प्रार्थना की। उस समय एक परी अदृश्य रूप में उस मूर्ति के पास बैठी थी। जब ये विक्रम ये सारा काम कर रहा था तब जो ये परी है नील परी वो अदृश्य होकर, यानी वो बैठी थी बट विक्रम को दिखाई नहीं दे रही थी, वो अदृश्य होकर वहाँ पे बैठी थी। विक्रम ने जब मूर्ति के चरणों पर फूल चढ़ाए तो कुछ फूल परी के चरणों पर भी गिर गए। विक्रम ने फूल चढ़ाए थे तो वो परी वहाँ पे बैठी थी अदृश्य होकर उसके चरणों में भी गिर गए। परी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। विक्रम राजा ने इस जंगल में इस मूर्ति पर फूल चढ़ाया उसको देखकर नील परी वो खुश हो गई। परी उसके इस व्यवहार से बहुत खुश गई। वह उसी समय प्रकट हुई और उसे देखकर विक्रम हैरान हो गया। जैसे ही वो खुश हो गई तो उसने खुश होकर प्रकट हुई, यानी उसको दिखाई देने लगी विक्रम को। विक्रम है वो हैरान रह गया कि ये क्या है, वो डर गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, परी हंसी और बोलने लगी कि विक्रम तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बिना किसी लालच के फूल भेंट किए इसलिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहती हूँ। परी को विक्रम राजा का जो विक्रम है वो राजा विक्रम है वो बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि तुमने बिना किसी लालच के, आपको कोई लालच नहीं थी फिर भी इस मूर्ति को आपने भेंट किया इसलिए मैं तुमको एक पुरस्कार देना चाहता हूँ, यानी एक इनाम देना चाहता हूँ। फिर परी ने विक्रम को एक जादुई छड़ी दी जिसका एक सिर हरा था और दूसरा सिर नीला था। परी ने सोनू को क्या दिया था? फूल दिया था। और विक्रम को क्या दिया था? एक जादुई छड़ी दी। क्या दी? एक जादुई छड़ी दी जिसका एक सिर हरा था और दूसरा सिर दूसरा कैसा था? लाल था। वह बोली, विक्रम यह छड़ी अपने पास रखो। ये छड़ी है वो छड़ी यानी एक लकड़ी है, उसको इनो एक छेड़ो से हरा लीला कलर नो छे, एक छेड़ो से लाल कलर नो छे, ये तू तारी पास से राखी। जब तुम उसे हरे छोर से छुओगे तो रोगी हर रोग से मुक्त हो जाएगा, यानी जो उसका इनो जो लीलो छेड़ो हतो ये जो तू कोई व्यक्ति ने अडाड़ीस तो इना हरेक रोग छे रोग माथी मुक्त थे जासे, राइट। मुरझाए फूल खिल उठेंगे और लाल छोर से छूगे तो उसका उल्टा होगा। जो मुरझाए वो फूल थे उसको अगर ये हरा भाग है वो उसको टच करोगे तो वो मुरझाए फूल भी खिल जाएंगे, बट अगर तुम लाल छोर से छूओगे तो उससे उल्टा हो जाएगा। रोगी को रोग नहीं होता तो रोग हो जाएगा, फूल खिले हुए होते तो मुरझाए उससे उल्टा होगा। और इसका मतलब ये कि ये जो छड़ी है उसका जो ग्रीन भाग है वो पॉजिटिव है और रेड कलर का भाग है वो नेगेटिव है, राइट। तो वो सबका अच्छा भी कर सकता है और सबका भला भी कर सकता है, राइट। तो अब विक्रम घूम कर रोगियों के रोग दूर करने लगा। विक्रम कैसा था? वो दयालु था, राइट। तो वो दयालु था इसलिए वो सबकी हेल्प भी करता रहता था। तो नील परी ने जब ये विक्रम को छड़ी दी तो विक्रम क्या करने लगा कि घूम कर यानी हर एक गांव में जाकर जो रोगियों था उसका रोग दूर करता रहता था। वह हर बगीचे में घूमता और पौधे की खूबसूरत देखभाल करता था। वो जो भी बगीचे में जाए वो सबको हरा छड़ी का जो हरा सिर था वो टच कर देता था तो फूल भी खिल जाते थे।
एक दिन विक्रम एक गांव में गया तो उसने देखा कि एक भयानक राक्षस जबरदस्ती एक आदमी को खींच कर ले जा रहा था। एक दिन जब एक विक्रम है वो गांव में गया, वो तो घूमता रहता था इसलिए वो एक गांव से दूसरे गांव जाता था, राइट। तो उसने देखा कि एक भयानक राक्षस जैसा एक आदमी था वो जबरदस्ती से यानी मर्जी के बिना जबरदस्ती से एक आदमी को खींच कर ले जा रहा था। उसके बाद इस गांव को लेकर इस गांव के लोगों की डर के मारे बोलती बंद थी। ये जो गांव के लोग हैं ना वो सब उस राक्षस से डर रहे थे इसलिए कोई भी कुछ बोल रहा नहीं था, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। गांव के सारे लोग देख रहे थे पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो सब राक्षस से डरते थे। उसने राक्षस को मारने के लिए निशाना साधा परंतु निशाना चूक गया। फिर विक्रम ने क्या किया, उस राक्षस को मारने की ट्राई भी की, उसने निशाना भी लगाया बट वो निशाना है वो चूक गया, यानी निशाने पे वो तीर है वो नहीं लगा। दूसरे दिन उसने बांस की पतली छड़ी तैयार की और पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। अगेन दूसरे दिन भी वो राक्षस आएगा उसी गांव में, तो दूसरे दिन विक्रम ने क्या किया, एक बांस की पतली छड़ी यानी वांसनी एक पातली एवी लाकड़ी एमने तैयार करीने राखी अने वो पेड़ के पीछे छिप, मतलब वो झाड़ के पीछे जाकर छिप गया। जो ही राक्षस गांव में आया तो विक्रम ने जादुई छड़ी का लाल वाला छोर उससे छुआ दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि छड़ी के दो भाग थे, एक हरा था और एक लाल था। जो हरा भाग था वो पॉजिटिव था और जो लाल कलर का भाग था वो नेगेटिव था, राइट। तो लाल कलर के भाग से क्या होता था, लाल कलर के छोर से कि वो उससे उल्टा होता था, अच्छे रेड कलर के छोर से हरे कलर के छोर से क्या होता था, अच्छा होता था, रोगियों का रोग दूर होता था। अगर रेड कलर का छुरा छोर लगाए तो क्या होता था, वो रोगी नहीं था तो क्या हो जाता, रोग हो जाता था। तो विक्रम ने उस राक्षस को हरे कलर हरे लाल वाला छोर है उसको छुआ दिया, उसको टच कर दिया। देखते ही देखते राक्षस में परिवर्तन आ गया और वह डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा। जैसे ही लाल कलर का छोर उसको टच कराया तो राक्षस में परिवर्तन आ गया और वो डर के मारे बुरी तरह से, मतलब वो जोर जोर से बुरी तरह से चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कहता हुआ राक्षस वहाँ से भाग गया। सभी गांव वाले विक्रम की बहादुरी से बहुत खुश हो गए। तब विक्रम ने नीलपरी को याद किया और नीलपरी तुरंत ही प्रकट हो गई। यानी विक्रम राजा ने जो छड़ी विक्रम को जो छड़ी मिली थी उन्होंने उस छड़ी का अच्छा उपयोग किया, राइट। फिर उन्होंने वो नीलपरी याद आई तो नीलपरी को जैसे याद किया तो वो तुरंत ही प्रकट हो गई। परी ने विक्रम से कहा, लो विक्रम तुम मुझे याद कर रहे थे ना। जैसे ही परी को पता चल गया कि विक्रम मुझे याद कर रहा है, जैसे ही विक्रम ने याद किया तो परी हाजिर हो गई, लो मैं यहाँ पे आ गई। विक्रम ने नील परी से कहा कि परी रानी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपकी उस छड़ी से बहुत काम किए हैं, अब मैं आपको यह छड़ी लौटाना चाहता हूँ। विक्रम को जो छड़ी दी थी नील परी ने वो उसको आभारी थे कि थैंक यू आपने मुझे ये अच्छा काम करने का मौका दिया, सब रोगियों को रोग दूर करने का, राइट। तो आपकी छड़ी से मैंने बहुत काम कर दिए, अब मैं आपको यह छड़ी है वो लौटाना चाहता हूँ, यानी आपको वापस देना चाहता हूँ। जब यह छड़ी मेरे हाथ में होती है ना तो मन करता है कि मैं एक एक रोगी को ढूंढ कर उसका रोग दूर करूँ। आपने जो मुझे छड़ी दी है ना उस छड़ी से मुझे ऐसे हो लग जी जी
उसके बाद लिखित क्वेश्चन आंसर वो नोटबुक में करना है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाए। सोनू उसे कान से लगाओ, किसने कहा था? नील परी ने, परी रानी ने। मैं आपकी तरह उड़ नहीं सकता और नहीं आपकी तरह दे सकता हूँ, किसने कहा था? विक्रम ने बोला था। विक्रम घूम घूम कर रोगियों के रोग दूर क्यों करने लगा? क्योंकि वह रोगियों के रोग से छुटकारा देना चाहता था। गांव वाले विक्रम की बहादुरी से क्यों खुश हो गए? क्योंकि विक्रम ने राक्षस को मारकर गांव वाले की रक्षा की थी। नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सोनू मेहनती और आज्ञाकारी बालक था। सोनू दूसरे बच्चों को झूला झूला रहा था। विक्रम ने देखा एक घने पेड़ के नीचे चबूतरा है। मैं आपकी राह आपकी तरह उड़ नहीं सकता। फूलों से लाल पीला प्रकाश फूट रहा था। परी ने विक्रम को एक जादुई छड़ी दी। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और समझिए। देखो यहाँ पे हमें जो रेड कलर के शब्द दिए हैं, नील परी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी, वहाँ एक कुर्सियाँ पड़ी थी। कुर्सियाँ, तो कुर्सी एक वचन है और कुर्सियाँ है वो यानी एक से ज़्यादा है। और नील परी कुर्सियों की ज़रूरत थी। कुर्सी, कुर्सियाँ और कुर्सियों, राइट? तो एक शब्द है, एक शब्द है और बहुवचन है। अगर कुर्सियाँ दो पड़ी है तो कुर्सियाँ, और दो से ज़्यादा है तो कुर्सियों। कुर्सी, कुर्सी ओ अने कुर्सी ओ, राइट? बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि लंबा, गोल, जैसे कि हम अभी डिस्क्राइबिंग वर्ड सीख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा या सर्वनाम बोलेंगे, राइट? जैसे कि हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं कोई भी कलर्स के नेम, रेड, येलो, कोई भी शेप्स के नेम, स्क्वायर, सर्कल, राइट? टॉल है, शॉर्ट है, बिग है, स्मॉल है, तो वो सारे शब्द सारे शब्द है वो क्या होते थे? डिस्क्राइबिंग वर्ड होते, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलेंगे। लंबा, गोल, भारी, हल्का, लाल, पीला, नीला, नया, पुराना, भला, बुरा, मीठा, फीका, मधुर, मोटा, छोटा, दुबला, पतला, सुंदर आदि, ये सारे क्या है? विशेषण है, राइट? तो फूल है, लेकिन कैसा फूल है? सुंदर फूल। प्रकाश है, वो कैसा है? लाल पीला। राक्षस यानी भयानक राक्षस। बालक, आज्ञाकारी बालक। छड़ी कैसी है? जादुई छड़ी। पेड़ है तो कैसा है? घना पेड़, राइट? पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। आज्ञा प्लस कारी यानी आज्ञाकारी। लाभ प्लस कारी यानी लाभकारी। गुण प्लस कारी यानी गुणकारी। चित्र प्लस कारी चित्रकारी। ओके, नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, यानी एक वचन से हमें बहुवचन करना है। छड़ी तो छड़ियाँ, परी तो परियाँ, मूर्ति मूर्तियाँ, कहानी कहानियाँ। विलोम शब्द रेखा खींचकर मिलाइए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट शब्द। गांव तो शहर, बहादुर तो डरपोक, खुशबू तो बदबू, प्रकाश अंधकार। खुशबू यानी सुगंध आवी, बदबू यानी वास आवी, प्रकाश और अंधकार। पास तो दूर, खुश नाखुश, पुरस्कार यानी अवॉर्ड और दंड यानी सजा, रोगी और निरोगी। नीचे दिए गए अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखिए। जो दूसरों का उपकार करे उसको क्या बोलेंगे? परोपकारी। जो मेहनत करता है वो मेहनती। जिसके मन में दया हो वो कैसा है?
दयालु। जो दिखाई न दे वो कैसा है? अदृश्य। जो कहना मानता है वो आज्ञाकारी। जिसे डर न हो वो कैसा है? निडर। सोच समझ की बात। अगर आप ये स्टोरी रीड कर रहे हो, राइट, अगर मान लो आपने ये स्टोरी लिखी है, तो आप इस स्टोरी का नाम क्या रखोगे? नीलपरी रखोगे कि जादुई छड़ी रखोगे? क्या रखोगे? जो भी रखोगे आपके लिए आप बोल देना। फिर अगर जादुई छड़ी आपको मिले तो जादुई छड़ी से आप क्या करोगे, राइट? फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ करने की बात, यहाँ पे एक अच्छी सी कई सारे वर्ड दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सहायता से परी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे सारे शब्द दिए गए हैं परी के बारे में और उसके मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए। वो सेंटेंस आपको आपकी नोटबुक में लिखना है PDF में से, ओके? सो आज का यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 8 है वो पूरा करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की हमने स्टोरी देख ली, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देख ली। तो आज के होमवर्क में आपको इस वीडियो के साथ PDF मिलेगा। वो PDF में से आपको आपकी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करना है, ओके? थैंक यू, गुड बाय।